मैं आग्रह करूंगा, मैंने तुमको उठाया नहीं यहाँ से, लेकिन अब यहाँ पे फोन बंद करके सालिका से बैठा हूँ, वरना मुझे फिर कंडित करना पड़ेगा तुम सब लोग। तुम पहले ही नालायकी करके आगे बैठे हो, फिर अपनी उससे वो कर रहे हो। मैं तुम्हें सबको एक बार में उठा के पीछे भेजता हूँ, भिजवा भी देता हूँ, समय पर छो, इसलिए मैं चुपचाप आपसे कह रहा हूँ बार बार। और अगर आपको, आप मेरे तेवर जानते हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो मैं फिर करके दिखा दूँ। जब मैं आपके हाथ पकड़वा के कुर्सी वाली श्रेणी को आगे रखकर आपको पीछे खड़ा करवा दूँ, फिर आपको अच्छा भी लगेगा। तो इसलिए अनुशासन में बैठो, जो मेरा भी समय ना खराब हो और आप भी कुछ सीख पाओ। और जैसे कैप वाले लोग हैं ना, ऐसे नालायक लोग, इनको भी सिखा दो। ये जो ये आप ही कह रहा हूँ जो फोन लेके बैठे हैं, बहुत धन्यवाद पुणे। मीडिया के बंधुओं को भी बड़ा कष्ट हुआ, इसलिए कष्ट हुआ क्योंकि भाई हमारी नई पार्टी, हमारे नए नेता लोग हैं और धीरे धीरे वो सीख रहे हैं। 3 साल की हमारी पार्टी है, धीरे धीरे वो सीख रहे हैं कि आपके लिए बैठने की व्यवस्था क्या करेंगे, तो फिर आपको कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप ये समझो कोई मंच पे चढ़ के यहाँ खड़े होकर थोड़ी बनाता, थोड़ी दूरी बनाता जिससे कि आदमी को देख मिले। हम तो यहाँ पुलिस की मौजूदगी में मीडिया के लोग बन के गोली चला देते हैं लोग, आपने देखा, ये तो बहुत सस्ता काम हो गया। 500-400 रुपए का एक भोपू सा तैयार करो और कहीं जाके खड़े हो जाओ। ये व्यवहार मीडिया की तरफ से ठीक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों पूर्व महापुरुषों को नमन करते हैं। उनको नमन करने का एकमात्र कारण ये है मेरे पास, मैं बहुत आस्थावादी व्यक्ति उस तरह से नहीं हूं। उनको नमन करने का एकमात्र कारण ये है मेरे पास कि उन्होंने अपने जीवन में हमारे लिए बहुत कुछ किया, और जब तक वो जिए हमारे लिए ही वो जिए। उन्होंने अपने परिवार की, अपने सुख की, अपने स्वभाव की चिंता नहीं की। महामानंद सागर बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ईवी पेरियर, रामा सामी नायकर, पैनल यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम सुख वर्मा, सर छोटू राम चौधरी चरण सिंह, बाबू सिंह दयाल चौरसिया जी, संत राम बी ए प्रजापति जी, मान्यवर दीनमाना वाल्मीकि साहब, कोतवाल भन सिंह गुजर साहब, चौधरी महाराज सिंह भारती जी और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करता हूं, क्योंकि इन्होंने भी मानव जैसा जीवन, यानी के सम्मान स्वाभिमान और सुख सुविधाओं का जीवन इस देश के लोगों को मिले, कहीं ना कहीं इसके लिए प्रयास किया, संघर्ष किया। और आज उन्हीं की देन है कि उत्तर प्रदेश में देश का कोई कोना हम लोग स्वाभिमान सम्मान के लिए जीवन को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देश के बहुत सारे कोनों में घूमता रहता हूं, कभी महाराष्ट्र में, कभी उड़ीसा में, कभी बंगाल में, अभी अभी हम लोग मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव लड़ा के लौटे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनाव हैं, मध्य प्रदेश में भी हमारे लोगों ने अच्छा प्रयास किया और कई सीटें वो बहुत नजदीक से हारे, और राजस्थान में तो 10 से ज्यादा सीटें हम दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। और मुझे बिना किसी संकोच के मैं कहना चाहता हूं, आप आंकड़े उठाकर देख लेना, 2-3 सीटें ऐसी हैं जिसमें अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग हमारा वोट नहीं काटते तो हम वो सीटें जीत जाते। जैसे राजस्थान की बानसूर पे हम 7,000 कुछ मतों से हारे, वहीं बसपा ने 11,000 मत लेके हमारे वोट काटने का काम किया और हमारा प्रत्याशी 50,000 से ज्यादा वोट लेके 7,000 मतों से हाथ उठा गया। ऐसे ही रामगढ़ में हमें 74,000 से ज्यादा वोट मिले और बसपा प्रत्याशी वहां 1,000 वोट पे सिमट गए। ऐसे ही
नगर सीट पे हमें 40,000 के रिपोर्ट मिले और बसपा प्रत्याशी को 1200 के रिपोर्ट मिले। वहीं मध्य प्रदेश की सेवड़ा पे हमें लगभग 30,000 वोट मिले और हमारा प्रत्याशी 11,000 वोट करके लगभग से हारा और बसपा का प्रत्याशी 12,000 वोट ले गया। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से हुआ। आप भी अपने यहां ऐसी मेहनत करोगे तो आपके बीच के लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं समझता हूं जिस क्षेत्र में जैसी मेहनत होगी वैसे ही वहां से परिणाम आए। पिछली बार आपने भी अपने यहां पर एक जिला पंचायत का सदस्य बिता के आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व यहां सुनिश्चित किया। उस काम को अब आपको आगे बढ़ाना है क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है। आज ये जिला स्तरीय सम्मेलन इसलिए बुलाया गया कि जिले में जो लोग काम कर रहे हैं एक तो उनका मनोबल बढ़ जाए, दूसरा उनको भविष्य में क्या करना है उसके लिए दिशा निर्देश भी हो जाए, तीसरा जहां उत्तर प्रदेश में सामंतवाद पूंजीवाद का मिला जुला गठजोड़ चल रहा है, जहां जुम जाति और दादागिरी हावी हो गई, जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, गरीब की जमीन पे सामंतियों का और भाजपा के नेताओं की ऐसी निगाह है कि वो तो उसकी जमीन को छीन लें दबा लें, उनके रोजगार साधनों पे भी ताकतवर लोगों की निगाह है, वहीं सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर उत्तर प्रदेश में लगभग खत्म हो गए। कोई भर्ती आती है तो पहले पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक के बाद आरक्षण की जो व्यवस्था दलित पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में की, उस व्यवस्था का भी सही पालन नहीं है। इसका प्रमाण 69,000 भर्ती के बच्चे हैं जिनके लगभग 20,000 पद उत्तर प्रदेश की जातिवादी सरकार भाजपा की सरकार ने छीनने का काम किया। उसके अलावा कल ही मेरे पास सूचना आई कि जो पटवारी की भर्ती हुई उसमें जो विकलांग बच्चे थे उनका जो कोटा था उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया, 188 बच्चों की पोस्ट खाली रखती, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चे ने आत्मदाह भी कर लिया, ऐसी भी सूचना मुझे प्राप्त हुई। उसके अलावा जो स्मारक बने हुए हैं उनके कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे रहे, और भी वेतन विसंगतियां हैं और भी तमाम तरह की परेशानियां हैं और चारों तरफ हाहाकार मचा है, लूट मचा है, हत्या बलात्कार ये आम बात हो गई। अब मैं समझता हूं जिस तरह से लोकतंत्र भारत में है, माननीय कांशीराम साहब तो कहते थे कि ये लोकतंत्र नहीं है ये धनतंत्र है। धनतंत्र का मतलब कि पैसे वाले लोग राज कर रहे हैं और मेहनत करने वाले लोग हक अधिकार से वंचित हैं। पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसे वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, पैसे वाले लोग तरक्की कर रहे हैं और गरीब कमजोर होता जा रहा है। चुनाव लड़ने के लिए लाखों करोड़ रुपए की जरूरत है, अब लोकसभा का चुनाव आएगा आप देखना करोड़ों करोड़ रुपए खर्च होंगे, तो इस लोकतंत्र में जो पैसों के आधार पर चल रहा है कोई गरीब का बेटा आगे नहीं बढ़ सकता। उनका यह प्रयास था कि ये राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र बने, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी संविधान को सौंपते हुए बात कही थी। आज भी हम लोकतंत्र जो कि वास्तविकता में धनतंत्र और राजतंत्र की भूमिका में चला गया है कि अगर कोई सवाल उठाता है तो मुकदमा लगा दिया जाता है, कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो जेल में छूट दिया जाता है, कोई सवाल उठाता है उसके घर में बुलडोजर चल जाता है, आरोपी खुलेआम घूमते निर्दोष लोग जेल काट रहे हैं, ऐसी भी तानाशाही जो सोच है उसका प्रदर्शन हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जैसा एक हत्या हुई है हमारे साथियों ने, यहां पर बहुत ही सीनियर साथियों ने आवाज उठाई,
और पुलिस के और समाजवादी ताकतों के मेल जोल से हमारे ईमानदार संघर्षशील निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जेल भेज के और उस मामले को दबाने का काम किया और फिर थाने में जिस तरह से यहां के अधिकारियों ने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटने का काम किया, उनका शोषण किया, जाति के आधार पर दमन किया, ये भी किसी से छिपावा नहीं। और मैं भी इन घटनाओं को भूला नहीं हूं जो जब हम आपकी पीठ पर लाठियों पर सबकी सरकार ने दिए हैं, मैं भी उनको भूला नहीं, मगर मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं कि जब सही समय आएगा तो जातिवादी मानसिकता से ग्रसित अधिकारियों को सही आईना दिखाने का काम और उनके द्वारा किए गए संविधान के उल्लंघन की सजा उनको दिलाने का हम लोग करेंगे। जिस तरह से सदियों सदियों दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को अपमानित किया गया, आज भी धर्मगुरु उसी प्रथा को आगे बढ़ा रहे। और एक मैं तो उनका बड़ा सम्मान करता था कि वो एक धर्मगुरु है, लेकिन उन्होंने इस तरह की टिप्पणी एक बड़े समाज पे की और उस समाज को, मेहनत का समाज को, कभी वो आरक्षण पर टिप्पणी करते हैं कि दलित पिछड़े वर्ग के लोग आरक्षण से आगे बढ़ गए, पता नहीं क्या इनको समस्या है कि वो इस तरह की बातें करते हैं अपने मन में, क्या उनको हमारे तरक्की से तकलीफ है। दूसरा, कभी वो हमारे सम्मानित नेताओं को श्रद्धे मुलायम सिंह यादव और हमारे रैबर मानवर काशीराम साहब के परिनिर्वाण पर वो मुस्कुराते नहीं रहते हैं कि मिले मरे मुलायम काशीराम और धार्मिक नारा लगाते। कभी वो एक पूरी मेहनत कर जाति को नीच बताने का काम करते हैं। और ये सारे पाखंडी अपराधी सरकार की छत छाया में फूल रहे, फल फूल रहे, क्योंकि आज इनके ऊपर कोई पहरा, कोई जवाबदेही इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि जो सरकार में लोग बैठे हैं वो इनका संरक्षण कर रहे हैं और इनको अधिकार दे रहे हैं कि किसी भी कमजोर वर्ग को गाली दें, उनका अपमान करें, उनको अपमानित करें, उनको बुरा नीच कहें। जबकि देश का संविधान किसी को ऊंचा नीचा नहीं बताता, हम तो संविधान को मानने वाले लोग। तो अब मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिन चीजों को मैं महसूस कर रहा हूं, और मेरा मानना है कि मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, माओं से और जिम्मेदार लोगों से उम्मीद करूंगा कि उस बात को वो समझेंगे कि मैं किस पीड़ा का जिक्र कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है जब भविष्य में मैं इटावा आऊंगा तो शायद अगली बार आपका जो प्रदर्शन होगा, चाहे वो सभा के रूप में हो, चाहे आपके कार्य के रूप में हो, वो ज्यादा उत्कृष्ट होगा, ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जैसे अगर ये लोग पहले से समझदार जिम्मेदार होते तो यहां अनावश्यक भीड़ ना करते, पीछे रहते, तो अब इनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब ये कम जगह में, सब लोग तो ज्यादा है, जगह कम है, तो एक दूसरे से फिर फिर बैठे हैं, कहीं बैठा भी नहीं जा रहा हूं, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मैं क्या करूं। अब इसमें मैं वो ज्यादा कर नहीं सकता हूं, क्योंकि ये व्यवस्था आपको स्वयं करनी है। ये अगर आप एक घंटा पहले आते तो आराम से अच्छी कुर्सी आपको मिलती। जो लोग कहीं कई घंटे से बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका अधिकार बैठता है कि वो चेयर पर बैठे, और जो लोग बाहर घूम रहे थे भाई उनको कुछ तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश में संविधान सौंपा तो उनको एक शंका थी, एक भय था भविष्य को लेकर, और इसके लिए उन्होंने संविधान सभा में जो साथी थे उनसे कहा, और क्या कहा इस बात पे आप गौर करो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। कैसी जिंदगी में? विरोधाभास। आज हम प्रभु मैं जितना सरकता हूं इधर को सरकता हूं, मैं आपकी वजह से ये छोड़ के उधर चला गया। आप अपनी सुविधा को ध्यान में रखना समाप्त करें। बस धन्यवाद। आप मेरी बात पे गौर करो, ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी थोड़ा सा कहना पड़ता है, थोड़ा सा ये भी मदद करा करें तो सब ठीक रहेगा। तो मेरा कहना ये है
बाबा साहब ने कहा आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। कैसे? तुम में और भाजपा में कोई कमी तो नहीं? वो भी जनता को ऐसे परेशान कर रहे जैसे तुम यहां कर रहे हो कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रख रहे हैं। राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, चाहे वो राष्ट्रपति की हो या मजदूर किसान की हो, दोनों के वोट की वैल्यू एक होगी, मूल्य एक होगा, तो राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब तक देश में व्यापक सामाजिक गैरबराबरी जो जाति के आधार पर है, धर्म के आधार पर है, छुआछूत उच्च नीच की जो व्यवस्था, जब तक ये खत्म नहीं होती, सब लोग सामाजिक रूप से बराबर नहीं होते और आर्थिक गैरबराबरी, एक आदमी इतना बड़ा धनाशेख है कि उसके पास इतनी संपत्ति उसको पता ही नहीं और एक आदमी इतना गरीब है जिसके पास दो गज जमीन भी नहीं। जब गरीबों की बात होती है गरीबों को खुशी होती है, वो ताली बजाते हैं लेकिन ताली बजाने से काम नहीं चलता, समझे? क्योंकि मेरा समय ज्यादा जाएगा, मैं परमिशन लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से क्योंकि इस बात को कंप्लीट करूंगा, समय कम है और काम ज्यादा करना है और यहां गर्मी भी काफी हो गई है जबकि सर्दी का मौसम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारी बात आपको कम समय में समझा दूं और मैं चाहता हूं मानसिक रूप से आप तैयार हों।